विभाजन नहीं, कर्नाटक नहीं, हिंदुस्तान के बड़े बड़े मानवीय शख्सियत यहाँ पे आए हुए हैं। और खास बात जो देश के जो हालात चल रहे हैं हिंदुस्तान में, बड़े नाजुक दौर से ये गुजर रहा है, ये कहाँ जाने वाला है, क्या होने वाला है कुछ पता नहीं चल रहा। मेरी को उम्मीद है जो यहाँ स्टेज पे स्वामी लोग भी बैठे हुए हैं, सज्जादे भी बैठे हुए हैं, ये लोग जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि हम पॉलिटिशियन तो बस लड़ाना, सीट हासिल करना है, पावर में आना है, कुछ भी करना है हमको पावर में आना है, चाहे खतर गारदगी हो, चाहे कुछ भी हो जाओ, लेकिन हमको जो है पावर में आना है, हमारा मकसद ये रहता है पॉलिटिशियन लोगों को। लेकिन जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे कुछ होने वाला नहीं है। खासतौर पर हमारे स्वामी जी से, हमारे दुरा बाबा से, बसोरा साहब से, बंते जी से, जितने भी यहाँ बुजुर्गान दिन बैठे हुए हैं, हमारी रिक्वेस्ट है। मैं अभी भी गाड़ी में, कार में आ रहा था, तो हमारे अनवर साहब एक वीडियो बताए मुझे, जो ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं, बोलना तो छोड़िए, सुन भी नहीं सकते, ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जिससे सामने वालों को मुंतशिर किया जा रहा है, इंतशार में लाया जा रहा है, जज्बात में लाया जा रहा है, आदमी ऑटोमेटिक एकदम उसके दिमाग में शैतान आ जाता है, मैं क्या करूं, ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं साहब, ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर या जो भी है हमारे इस्लाम के अंदर मजहब के खिलाफ में बोलने का नहीं है सर। हमारा इस्लाम, हमारे हुजूर, हमारे पैगंबर हमको ये सिखाए हैं कि हम किसी मजहब के खिलाफ कभी ना बोले। लेकिन आज जो माहौल हो रहा है बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है, आगे क्या होने वाला है पता नहीं। हमारे स्वामी साहब से, द्रव बाबा से, आप लोग एक शहर में, हम तो गुलबर्गा के हैं लेकिन गुलबर्गा में तो हम काम कर सकते हैं, आप सब लोग मिलकर एक कमेटी कायम कीजिए, मैं हाजिर हूं उसके लिए, मैं सियासत गई भाड़ में, लेकिन ये जो माहौल खराब हो रहा है ये माहौल को बचाना बहुत जरूरी है। तो बरल मोदी पटेल साहब को मैं दिल के गहरों से मुबारकबाद देता हूँ, बहुत छोटा प्रोग्राम सोचे थे लेकिन काफी अच्छा बड़ा प्रोग्राम हुआ, और यहाँ काफी लोग आए हैं, शहर के नामचीन लोग यहाँ तशरीफ लाए हैं, तो मैं सब लोगों को भी दिल के गहरों से आप लोगों का मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ आप यहाँ तशरीफ लाए हैं। और मोदी पटेल साहब ऐसे प्रोग्राम आप बार बार करते रहे, जान बहुत छोटी है सब लेकिन काम बड़े बड़े करते हैं, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग है सब। अब देखिए इनकी ऐसे से भी इतना बड़ा प्रोग्राम आप लोगों को देख के मुझे दिल से खुशी हो रही है, ऐसे प्रोग्राम हम बड़े लोग नहीं कर सक रहे लेकिन हमारे मोदी पटेल साहब कर रहे, बहुत अच्छी बात है। तो इससे क्या है सब, एक मैसेज आता है, आप लोग यहाँ कुछ बोलो ना बोलो, स्पीच करो ना करो, लेकिन ये बैठने के बाद इसका एक मैसेज ही अलग जाता है पूरे देश के अंदर के भी। देखो आज भी जो है हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी की तहजीब आज भी बाकी है, सब मिलकर अच्छा काम करना चाहिए, एक बहुत जबरदस्त मैसेज जाता है सबसे।